पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह दास्तां है एक बहुत ही मधुर आवाज के मालिक की, नाम है जिनका हेमलता। हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त सन 1954 में। बचपन में ही इन्होंने दिखा दिया था कि ये आगे जाकर बहुत बड़ी गायिका बनेंगी। ये दरअसल एक राजस्थानी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इनके पिता पंडित जयचंद भट्ट एक जाने माने संगीतकार थे और किराना घराने के प्रतिनिधि माने जाते थे। खुद संगीत सीख लेने के बाद उन्होंने कहा कि भाई घर में लड़कियां गाना ना गाएंगी। लेकिन किसी तरह से नन्ही सी हेमलता भट्ट कभी स्कूल में गाना गाती तो कभी छुप छुपा कर कलकत्ता शहर में दुर्गा पूजा के कार्यक्रमों में। सब लोग कहते कि हेमलता एक दिन तो पंडित जी को बताना ही होगा, लेकिन ये बात इनके पिता से बांटे तो बांटे कौन, ये एक बड़ी अजब मुश्किल थी। पर किस्मत ने यह मुश्किल भी हल कर दी। एक बहुत बड़ा स्टेज शो हुआ जहां पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायक और गायिकाएं शामिल होने वाले थे। उस स्टेज शो में एक छोटा सा अंतराल था जहां पर नन्ही सी हेमलता से कहा गया कि तुम एक गाना गा देना। इन्होंने एक गाना गाया, पब्लिक इनकी आवाज की ऐसी दीवानी हुई, 12 गाने इन्होंने लगातार गाए। इन्हें डॉक्टर विधान चंद ने गोल्ड मेडल तक दिया। बस वहां से ये बात खुल गई कि आगे जाकर ये फिल्मों में गा सकती हैं। पर इनके पिता जो कि खुद शास्त्रीय संगीत के एक बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे जा सकती है, इसे पहले तालीम लेनी होगी, क्लासिकल सीखना होगा। और तब ज्ञान प्रकाश घोष के यहाँ इन्हें तालीम के लिए भेजा गया और साथ ही घर में रियाज करने की इजाज़त भी मिल गई। लेकिन तब भी इनके पिता ने यह बात साफ कह रखी थी कि यह फिल्मों में ना गाएगी। और तब हेमलता जी ने एक धमकी दी, अपनी माँ से कहा यदि मुझे फिल्मों में ना गाने दिया गया तो मैं चूहे मारने का जहर पी जाऊँगी। जब बात इतनी जज्बाती हो गई तो उनके पिताजी ने सोचा क्यों न ले जाएं इसे कुछ दिन बंबई, वहाँ की इंडस्ट्री देखेगी और धीरे धीरे ये फितूर भी उतर जाएगा कि फिल्मों में गाना गाना है, उसके बाद इसकी शादी कर देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये जब मुंबई आई, उस्ताद अल्लाह रखा खां की तवज्जो इन्हें मिली, उसके बाद उस्ताद रईस खान के पास इन्हें भेजा गया और तब के आसिफ और नौशाद साहब ने इनका दाखिला फिल्मों में करवाया। इनसे कहा गया कि आपको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाने होंगे और बतौर प्लेबैक सिंगर अपनी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। लेकिन फिर भी इनके पिता मुखालफत कर रहे थे और तब महान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी ने समझाया, तब इनके पिता ने इन्हें गाना गाने की इजाज़त दी। कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना के गानों से इन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद रविंद्र जैन के संगीत में तो इन्होंने 4 चांद लगा दिए। ये बात भी गौर करने लायक है कि रविंद्र जैन साहब कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और वो इनके पिता पंडित जयचंद भट्ट के शिष्य भी रहे। इन्होंने रोशन साहब के साथ काम किया, कल्याण जी आनंद जी के साथ काम किया और भी बड़े बड़े संगीतकारों का साथ इन्हें मिला। लेकिन फिल्म फकीरा से इन्हें जबरदस्त पहचान मिली, उसके बाद इन्होंने कभी पलट के ना देखा। ये कर लिया।
इन्हें फिल्म चित्तचोर के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी नवाजा गया। हालांकि इन्हें कई मर्तबा नॉमिनेशन तो मिले थे, पर अवार्ड तू जो मेरे सुर में इस गाने के लिए मिला। इन्होंने HMV और पॉलीडोर जैसी बड़ी कंपनियों के लिए गाने गाए। राष्ट्रीय फिल्म्स के साथ इनका बड़ा गहरा नाता जुड़ा। इनका गाया हुआ गाना अखियों के झरोखों से बिनाका गीतमाला में चोटी पर पहुंचा था। साल सन 1978 रहा, जहां एक तरफ इन्होंने बड़े चुलबुले गाने गाए तो बड़े जबरदस्त मधुर गाने भी, भजन भी गाए और दोहे भी। मेरे साथी मेरे हम मुझे दे दो। इस बात पर भी गौर करना होगा कि इन्होंने रामानंद सागर साहब के टीवी सीरियल रामायण में भी अपनी आवाज दी। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इन्होंने एक इटालियन गाना ओ सोले मियो इटली में हुए एक कॉन्सर्ट में गाया था। मोहम्मद रफी साहब रहे कि महेंद्र कपूर साहब, सभी के साथ इन्होंने स्टेज शोज भी किए। इन्होंने अपनी खुद की एक एकेडमी भी शुरू की, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनका विवाह हुआ योगेश बाली से। इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया आदित्य बाली, जो उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में आई जब लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी पहले ही बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। लेकिन उस दौर में भी हेमलता जी ने अपना ऐसा मकाम हासिल कर लिया जिसका ख्वाब बहुत से गायक गायिकाएं देखते ही रह जाते हैं। दर्द जुदाई हो, दर्द जुदाई क्यों सहना, क्या कहना तेरा क्या कहना, ओ नहीं रहना तेरे बिन नहीं रहना। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।